हेलो दर्शकों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत दिन बाद मिल भी रहे हैं क्योंकि हम लोग का 12th का रिजल्ट आ गया है। भाई का सबसे कम है, भाई बता दो कितना है। 58 है उसका, अनुपम 68, मेरा भी 68। ओ अभी हम लोग जाएंगे लोग टीसी लेने स्कूल पे, टीसी लेंगे लोग, फिर 29 तारीख को ट्रेन है हम लोग की देहरादून के लिए। बस यही बोलूँ तो क्या आप टीसी लेने जाएंगे और उसके बाद मिलते हैं, आना आ जाएंगे 29 तारीख को। और कॉलेज डिसाइड करने के लिए बहुत सारा ताम झाम था, भाई भाई का एसएससी की तैयारी करना था, लेकिन फिर इसको मोटिवेट किया लोग तो ये बीकॉम ऑनर्स पे आ गए। उसके बाद फिर और मोटिवेशन के बाद बीबीए कर रहा है। भाई कनाडा जाने का टिकट फाड़ दिया बस हम लोग के लिए, और भाई को थोड़ा मॉरल वैल्यू झगड़ा ना कर दे बस, ये जरूरत है। तो मिलते हैं, अभी हम लोग स्कूल पे चलते हैं, वहाँ से टीसी लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो बाय बाय। स्कूल क्या करें ले रहे हैं, पहली बार टीसी का दर्शन करते हुए ये रहा स्कूल। अब अगली बार आएंगे तो सेलिब्रिटी बन के आएंगे, चीफ गेस्ट के तौर पे, अदरवाइज नहीं आएंगे लोग, बिना पैसा लिए नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ 200 रुपये लिए गए हम लोग से, सब लूटा जा रहा है, ठग रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं उठ गया हूँ एज ऑलवेज। कुछ देर में मुझे जाना है, नहाना है, पूजा करना है, तैयार होना है और फिर निकलना है। ये रहा मेरा सारा सामान इधर, प्रणाम। और ये रहा मैं, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। बाय बाय। फाइनली वी आर हियर सुबेदारगंज। और अब तक काफ़ी दम का माहौल था, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत रोना धोना हुआ है। अभी इसी में से कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा सामान के साथ हम दोनों अकेले हैं क्योंकि अनुपम जो है वो कुछ कर नहीं रहा है, बस घूम रहा है, खाली स्वैग बना रहा है, ईयरफोन लगा के सोच रहा है मैं बहुत कूल हूँ। ये रहा सारा सामान, सामान देख सकते हैं आप लोग कितना सामान है, पीछे भी सब हमारा ही है और हम दोनों ये अकेले, मतलब बहुत मेहनत हुआ है, काफ़ी स्ट्रगल का माहौल है इधर। और कह सकते हैं कि हम तक का सफ़र उतना खास रहा नहीं है, बट आगे का देखें कैसा होता है। तो अभी हम लोग कुछ देर में चलेंगे ट्रेन के अंदर, बट आप लोगों से, बट आप लोग को कहीं नहीं जाना है, आप लोग यहीं बने रहिए, देखते रहिए हमें। बाय बाय। अभी बहुत फ्रॉम बहुत कम का माहौल था, इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। बहुत मेहनत की है हम लोग, बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा लगे हैं जो सब हमें लोग लेते हैं, इन्हीं मजबूत कंधों पे हमने ढो के लाया है ये सारा सामान। भाई बहुत भाव, पूरा सुबह में एकदम रोना धोना मच रहा था, इस वजह से ब्लॉग शूट हो नहीं पाया। इमोशनल माहौल था सुबह। भाई किस कहना चाहोगे तुम? बस यही कि सुबह में बस रो रहे थे लोग और कुछ था ही नहीं सुबह में, क्या नहीं, मतलब ऐसा सीन था कि ट्रेन में हम तीनों बैठ कर रो रहे थे और सारी पब्लिक हमें देख के हंस रही थी। और फिर जब हमने हंसे तो सारी पब्लिक उसके बाद हमने हंसना स्टार्ट किया तो सारी पब्लिक रो रही थी। सो आगे मिलते हैं आपसे, अभी हम लोग चलेंगे ट्रेन के अंदर, बट आपको पर आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हम लोग का ट्रेन आ गया है, हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। ये दोनों सामान लेकर जा रहे हैं और बाकी जो सामान बचा हुआ है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी उसको। ये दोनों कुछ सामान लेके जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे ट्रेन के अंदर चल के। अभी पूरा सामान हम अपना चेक कर लेंगे, सब लगेज अपना। ये लोग लड़ रहे हैं, अभिषेक पहली बार इसी में सफर कर रहा है इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई, खुशी के आंसू आ रहे हैं भाई के। हाय गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है। भाई ट्रेन में पहली बार आया इसलिए एक्साइटमेंट में कूद रहा है, एक्साइटमेंट में मंदिर का तोहफा ले लिया। भाई तो पहली बार ट्रेन में आया, इसको ये भी नहीं पता था कि तोहफा ले लिया हुआ मंदिर का उसको अभी से को ये नहीं पता था जो बीच वाला है वो उठता है।
क्योंकि भाई मतलब क्यों नहीं लोग कह रहे कि मत लीजिए, लेकिन गाइस हम लोग लेंगे, हम लोग बहुत ईमानदार हैं, हम लोग हॉनेस्ट रिव्यू देते हैं, तब क्या हम अपने दर्शकों से जो भी होगा आपको बताएंगे, स्टे ट्यून्ड। और वो जो तुम तीन चार तो तकिया लेके रख लिया है ये भाई, तकिया मत दिखाओ गाइस जी, तकिया में घर लेके कर आए, तकिया पे ही सोऊंगा। अभी हम लोग से सुपर एजेंट की झड़प हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्या बताएं बाबा किसी अमनदीप के अपने बाबा। ट्रेन में चल दिए, खाना वाना हम लोग खा के बैठ गए अपनी सीट पे, और सुबह हम सीधा वादियों में मिलेंगे आपसे। हम लोग खाना हम लोग ने प्रयागराज में ही खा लिया था, क्योंकि ट्रेन में खाने का मन से खा नहीं, माहौल सही नहीं था, तो फिर अब सुबह मिलते हैं आपसे, सुबह सीधे वादियों में मिलेंगे। नमस्कार भाई अजीत सिंह, तक के लिए बाय बाय, चलते फटे, गुड नाइट। आपको कहीं जाना है, आपको हमारे काफी बजे हम सोने जा रहे हैं, लेकिन आपको जगह रहना है और देखते रहना है। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चर्चुक, 1 बजे ट्रेन हम लोग पहुँचेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंदौली, चंदौली से है ना, चंदौसी, चंदौसी। 1 बजे ट्रेन हम लोग पहुँचेगी, अभी जल्दी है भाई, 1 घंटा जल्द ट्रेन हम लोग की, अभी सब पहली बार आए, 5 बज रहे हैं अभी तो, पहली बार ट्रेन लेट होने की वजह जल्दी हो रही है, क्योंकि हम लोग हैं ट्रेन का गैस चढ़ गया है। गाइस चाय काफ़ी बन गया है, चेयर्स भाई, चाय बहुत सही है, चाय एंजॉय करते हैं अभी हम लोग, बहुत सही आ रहा है। गाइज अनुपम का सर फट गया है, ये क्या है चाय बाल ढकेल क्या इसको। गाइज खतरे का माहौल है, अरे 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 कॉलर में क्रैक, अरे 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 वाह, गाइज डर का माहौल है। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और हम लोग हैं यूपी के लास्ट स्टेशन पे चंदू, यूपी के लास्ट स्टेशन पे, यहाँ से जो अगला स्टेशन आएगा हम लोग उत्तराखंड में आ जाएंगे, देवभूमि में, पहाड़ों की नगरी। भाई उधर सो रहा है, इधर निकलो भाई, यार भाई इतना स्वैग बना रहा है, सस्ता बिस्किट खा के। बाय बाय, थैंक यू। हे गाइस बहुत अच्छा माहौल है, वाइब मिल रही है, सनफिश हो रहा है अभी, मतलब कल सुबह से हम लोग पूरे यूपी का चक्कर मार रहे हैं, अब तक हम लोग यूपी से बाहर नहीं गए। हरिद्वार में पहला स्टेशन पड़ेगा, लश्कर करके, लश्कर है पहला स्टेशन, लश्कर एक कमांड उत्तराखंड का, लश्कर एक आतंकवादी संगठन भी है, ज्वाइन करोगे क्या? नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। ओके गाइस बाय बाय, चीयर्स जी आर पी लक्ष, फाइनली वी आर रीच उत्तराखंड, द्वार उत्तराखंड, लक्सर जंक्शन, लक्सर जंक्शन है, लक्सर ताइवान फर्स्ट, रुक जा पहले पूछ लेवे यार, देख लेवे दे बता, वादियां कहां है यार, मैं दूसरा था उत्तराखंड में, बस पहाड़ ही होता है, कहां है वो वादियां, नहीं दिखा मुझे तो, नहीं दिखा उत्तराखंड में पड़ता है, ये सब बिक गए हैं, ये सब मिल के हमें थोड़ा बाहर देखा जाए, बाहर मिलेगा कुछ भी, अंदर थोड़ी हाँ, चलो मैं नहीं घूमा हूँ भाई, मुझे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइज ये दोनों सांप हैं, अकेले अकेले यहाँ पे खा रहे हैं। हरिद्वार में आते हुए भाई पहाड़ नहीं है यार, सुन सुन प्लान करो इधर मतलब जो बैठे, अभी क्या प्लान है यार, अभी कल ही चलना है क्या, कह रहा है कल ही नहीं चलना है, तभी मतलब अक्टूबर का थोड़ी दिन में, 1 महीना पहले एडमिशन कराया जाता है ना, पहाड़ पहाड़ अभी से करा दे, पहाड़ दिख रहा है गाइज।
अरे वादियाँ हैं वो वादियाँ आ गई गाइस वादियाँ आ गई गाइस वादियाँ आ गई गाइस अरे यार सब हरिद्वार इन वादियाँ दिखाया जाए गाइस बहुत खुशी का माहौल है इधर ये छपरी साला गाइस ये लोग बाज रहे हैं या साथ निभाए तू जो जन्मों ही जन्मों का तो ये यारी रह जाती है वी आर इन हरिद्वार और पीछे हमारे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है पहाड़ सारे दिख रहे हैं यहीं से स्टेशन पे हम लोग क्योंकि आधे घंटे ट्रेन रुकेगी तो हम लोग सोच रहे थोड़ा चिल कर लिया जाए वी आर रियली सॉरी गाइस हम लोग को लगा था आधे घंटे नहीं रुक तुरंत ये चुतिया बोल रहा था अंकल को पूछे आधे घंटे बोल के 5 मिनट में चला दिए प्रैंक हो गया हम लोग के साथ दौड़ते दौड़ते कैसे भी ट्रेन के अंदर आए ट्रेन इधर दिखा अब से अम्मा गाइस दर्द का माहौल है Hey guys, ये पहला टनल गाइस पहला टनल डर का माहौल है वाओ उजाला देखो भाई पूरी हरियाली दिख रही है ये मंदिर है अरे भैया वाओ वन मोर गाइस डर का माहौल है अभी भूत आएगा गाइस भूत 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 ओ गाइस गाइस उजाला ये तो अनुपम है भूत नहीं है ये तो अनुपम है ये तो ठीक है भाई ये मार्केट हरिद्वार काल आश्रम समिति वाओ सही है गाइस भूत आई थिंक नदी आने वाली है कोई और चलित ना भाई तो 4 मीड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक नदी चलित सही बोल रहे हो एयर वाटर रेल रोड ऊपर से फ्लाई ओवर मानसून में काफी सुंदर व्यू है ये तो एकदम हरा भरा ये कुसमी जंगल है कुसमी जंगल है वादिया अमेजॉन जंगलों के बीच हम लोग की गाड़ी चल रही है डायनासोर गाइस डायनासोर गाइस कंगारू जंगल का आदिवासी है गाइस ये देख रहे हैं जैसे कि ये जंगल है भाई आदिवासी है हम लोग का ट्रैवल पिक पास और ये भाई मेरे बीच में फंस गया है इसका डिनर बनेगा भाई का दोस्त बहुत ज्यादा है भाई में भाई हाथी का बच्चा मिल गया गाइस 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 हाथी का बच्चा भाई गाइस हाथी का बच्चा मिल गया अपनी फीलिंग मेरे पे एक्सप्रेस कर रहा है गाइस ये बिरसा मुंडा का उत्तराखंड में अचानक से झील दिख रही है फिर गायब हो जा रही है अमनदीप ट्रेन में पीछे से कोयला भर रहा था कोयला से नहीं चलता इलेक्ट्रिक है क्या आदमी है
प्रिंट हो गया रात पर। ओके गाइस, बाकी सबका फोन बंद हो चुका है गाइस, बस मेरे ही फोन में एक नेटवर्क है गाइस। ये मेरा फोन सैटेलाइट से कनेक्टेड है गाइस। भाई एलियन है गाइस, कहीं भी जाइए नेटवर्क रहेगा गाइस। मेरा और अनुपम का पूरा नेटवर्क साफ हो चुका है जियो का, यहाँ पे पता नहीं क्यों एयरटेल में है अभिषेक के, उसी से फोन ऑन किए हम लोग। एक वेरी डेंजरस के लिए हम लोग झील का खोज कर रहे हैं गाइस, वेरी डेंजरस। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, मजा आ गया भाई। अपने माइनस वाले स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से वीडियो बना रहे हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड है फोन, बस इसी में। वाओ व्हाट अ ब्यूटी बॉयज, अगेन व्हाट अ। दिख नहीं रहा है सही से, इतना ऊपर ऊपर यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा झलक आ रही है। ट्रैकिंग करने वाले इसी पे, हाँ तो वैसा ही नहीं होता यार इधर, आप लोगों को ऊपर ले चल के वहाँ से भी व्यूज दिखाएंगे गाइस। गाइस ये हम लोग का सारा सामान है इधर, ये इधर भी, इधर ये दो ट्रॉली है, ये सब देखिए गाइस, ये सारा सामान है हम लोग का। और ये लास्ट, ये लास्ट स्टॉपेज है इसका, तो इसलिए हम लोग सबसे आखिरी में उतरेंगे क्योंकि आराम से जा सकें। फाइनली वी आर रीच्ड गाइस, फाइनली वी आर रीच देहरादून द सिटी ऑफ लव, बट वी आर स्टिल सिंगल। प्लेटफॉर्म 4 है ना भाई, बट अभी राकेश भी आएगा उससे मिलते हैं, फिर वो लेके चलेगा रूम पे। हम यहाँ पे बैठे हैं, राकेश भी आकर वेट कर रहे हैं, अब तक वो आया नहीं है। ये रहा कैमरा, ये रहा मैं, ये रहा अनुपम अभिषेक, ये रहा हमारा ट्रेन खड़ा है। काफ़ी भीड़ का माहौल है इधर अभी। सो है गाइस, वी आर हियर इन देहरादून, ये राकेश भी हमारे, अरे भैया एक और है हमारे सचिन, सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे। तभी हम लोग देहरादून में आ गए थे, लेकिन सुबह में ही आ गए थे, बट सुबह में सीन नहीं बन पाया शूट करने का, इस वक्त हम लोग आए और बस सो गए। और अभी बहुत थके हुए भी, और अभी थोड़ा बाहर घूमने हम लोग निकल रहे हैं। ये भैया राकेश भी हमारे, इन्हीं के रूम पे हम लोग सब ठहरे हैं। ये पीछे घर है हमारा, ये पीछे पूरा दिख रहा है घर हमारा। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। गुड इवनिंग, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सिटी घूम रहे हैं, कैसा है एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं नाइट लाइफ। लेकिन शहर तो बहुत सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे एक मंदिर है, पूजा हो रहा है यहाँ। वी आर इन यूके, हेलो फ्रॉम यूके, माता रानी का मंदिर है। आई एम बहुत वेलकम सर। वी आर इन मेन सिटी ऑफ काफी धार्मिक माहौल है, चारों तरफ जा रहे हैं मंदिर, जरूर रह रहा है। हम लोग चलते हैं आगे घूमने। सेलागुई, सो है गाइस वी आर इन सेलागुई, अभी तो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अभी कुछ माहौल दिख नहीं रहा है। आगे हम लोग का बहुत देखा जा रहा है, ब्यूटीफुल कपल बैठा है, लेकिन हम लोग थोड़ा क्या करें, अब लिमिट सह लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, गम का माहौल है गाइस। आंखें तो मर नहीं रही है, आंखें नम है, आंखें इस मुस्कान के पीछे मत जाइए, बहुत दर्द छिपा है भाई। यहाँ पे इतनी हरियाली है गाइस, दो आंखें कम पड़ जा रही है यहाँ की हरियाली कवर, मतलब यहाँ पे इतनी हरियाली है गाइस, पूरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लेकिन क्या बताएं, लास्ट में जाके भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ता है, हम लोग कर रहे हैं भाई। गाइस अभी
और रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि खाना वगैरह हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, नॉर्मली शाम को ही खाए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया है, बस अब चल रहा भाई। अभी रूम देख के गए हम लोगों का जहाँ हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं, और अभी भूल गया भाई, क्या करेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, समझ रहे। सो फाइनली गाइज ये ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ये ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग एंड चक दे फटे, जय माता दी, लेट्स रॉक।